नमस्कार, राम राम सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका लाला ठक्कर, मारुति कृपा अनार मार्केट। जिस तरह से आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं कि किसानों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मुझे मिल रहा है, बहुत सबका प्यार है, लेकिन मैं सब किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंडी की क्षमता को देखिए, मंडी की जगह को देखिए। यहाँ हम 200 से 250 ट्रॉली अंदर ले सकते हैं, जो कि हालांकि मंडी की अभी पूरी तरह से क्षमता खत्म हो चुकी है। तो मैं सभी किसान भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि वे यहां बाजू में प्लॉट है, थोड़ा हाईवे से अपनी गाड़ियों को, ट्रैक्टरों को, ट्रॉलियों को और कैंपरों को थोड़ा साइड हटा करके हाईवे को क्लियर कीजिए। आप ये बात समझिए कि बाजू में हॉस्पिटल है, किसी की एम्बुलेंस निकल सकती है, हमारे बिजनेस करने के पीछे किसी की जान जा सकती है। कृपया करके सभी लोग इसको ध्यान से सुने। और मैं सभी किसान भाई, ये सभी किसान भाइयों ने मुझे आकर के बताया कि लाला भाई आपके भरोसे सब लोग आए हैं, तो इसी किसान भाइयों के भरोसे और प्यार के लिए मैं इस रविवार के दिन लाला भाई की मंडी चालू रहेगी। जिस तरह से हम माल बेचते हैं उसी तरह से माल बेचा जाएगा, उसी तरह से किसान को पेमेंट भी दिया जाएगा। बस सिर्फ इतना रहेगा कि हम रविवार की जगह सोमवार को मंडी बंद रखेंगे। तो कोई भी किसान भाई बिल्कुल टेंशन ना लिए, आजू बाजू में कहीं अपनी गाड़ी को पार्क करे। जैसे ही ये माल कल सवेरे बिक जाएगा, हम फिर से बाहर खड़ा हुआ माल सभी अंदर लेंगे और सभी किसानों का तुरंत ही नीलाम कर तुरंत उनका भुगतान किया जाएगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि वे कृपया करके अपनी मंडी समझ के इसका सहयोग करें। अगर कोई किसान भाई अपना मंतव्य रखना चाहता है तो आप बोल सकते हो परमे सुबह नीलाम करे और सैटरडे और संडे बे दिन मंडी चालू है, फिर सोमवार ने छुट्टी है। बे दिन आप मेहरबानी करें बेचो ब्रो, हमें लेन पधारिया कटे भी साइड में जगह देके ट्रैक्टर साइड में लगाओ। बीजा आवागमन वाला लोग भी इतने तकलीफ में, कई बंदे ने कहने हॉस्पिटल जाना पड़ा, दूर जाए हाईवे कहने बाढ़ में जाना, कहने और जाना, कहने जाड़ो जाड़ो, तो आवागमन वाला पब्लिक ने भी तकलीफ ले वास्ते सब कष्ट कारण है। हमारी तरफ से भी हाथ जोड़े विनती है आवरदान पुनावास। और किसानों के लिए पूरी तरह से यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, आप लोग आइए, आपका पूरा जलपान की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आप ये टेंशन मत लीजिए कि हम कहाँ रहेंगे रात को, यहाँ पे सोने का व्यवस्था है, ठीक है ना। तो सभी किसान भाइयों से पुनः एक बार मैं हार्दिक नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके मेरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।